Assalamualaikum dear friends. So after a very very long time we are again resuming this writers and poets of Jammu and Kashmir on EECT classes. इसमें हम दो writers and poets जो हैं already cover कर चुके हैं, Nundreshi and Laldit जो है we have already covered. So today we'll be starting with Haba Khatun and the next coming days हम आगे चल के Arin Mal, Mehmood Ghami, Rupa Bhavani ऐसे writers poets complete करेंगे. So from this video onwards, I've changed the format of the video. थोड़ा सा मैंने handwritten notes बनाए हैं. Earlier I used to make presentations. So I think you'll find this more interesting because यहाँ पर I've made use of some more pictures. थोड़ा इन lectures को engaging बनाने के लिए. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो हबा खातून के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे. So हबा खातून जो हैं, she was born in 1554. ठीक है, चंदहार पांपोर में पैदा हुई. हम इसे कश्मीरी में चंदहोर कहते हैं. पांपोर जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर ये पैदा हुई. सो इनका जो असल में नाम था वो जूनी था या जून था. जून जो कि आप जानते ही हैं कश्मीर में चांद को कहा जाता है. सो लेजेंड हैज इट दैट इन्हें जून इसीलिए नाम दिया गया बिकॉज ऑफ हर ग्रेट ब्यूटी. ये बहुत खूबसूरत थी. ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हबा खातून थी कि हालांकि एक मतलब एक पीजेंट थी, यू नो एग्रीकल्चरल लैंड्स में काम करने वाले, एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती थी, बट शी न्यू हाउ टू राइट एंड रीड. ये पढ़ना लिखना जानती थी. अब कैसे जानती थी? शी न्यू इट बिकॉज एक लोकल जो आलिमा थी उनके विलेज की, सो शी हैड टॉट हर टू रीड एंड राइट. ठीक है, तो इन्हें ऑनर के तौर पर इन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है. सो शी यूज टू कम्पोज दीज सॉन्ग्स एंड पोएट्री. ठीक है, एक ग्रेट मिस्टिक पोएटिस थी ऑफ कश्मीर. सो अरिन जो खबा खातून हैं उनकी शादी जो है, इनकी दो शादियां होती हैं. पहली शादी इनकी अजीज जान के साथ होती है. ठीक, अजीज जान के साथ होती है, बट दिस मैरिज वॉज ओप्रेसिव. सो शी वॉज नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज. फाइनली जो अजीज जान के साथ ये मैरिज होती है, शी गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिम एंड देन वॉट हैपन्स इज यूसुफ शाह चक जो है, ठीक है, यूसुफ शाह चक हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर, उनके साथ इनकी शादी होती है. ऐसा माना जाता है कि एक दिन यूसुफ शाह चक जो है, जो कि जिस मैंने कहा लास्ट इंडिपेंडेंट एम्परर थे कश्मीर के, तो एक बार वो अपने घोड़े पर हंटिंग के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, और वो हबा खातून को जिनका नाम तब तो जून था, तो उन्हें वो गाता हुआ सुनते हैं एंड दैट इज हाउ ही फॉल्स इन लव विद हर. ठीक है, सो इसके बाद क्या है, जो हबा खातून है उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इंट्रोडक्शन किया एक लोल जिसे कहते हैं. ठीक है, लोल जैसे, जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश में जैसे लिरिक्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कश्मीरी में लोल होता है. सो ऐसे माना जाता है दैट शी इंट्रोड्यूस्ड दिस. ठीक है, सो और अगर इनकी इस लिखाई के बारे में बात की जाए, द सॉन्ग शी यूज्ड टू राइट, इनमें मेनली दो मेन ऐसे स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं कि हबा खातून ने क्या लिखा. तो सबसे पहले स्टेज ये वाली थी जब इस फर्स्ट मैरिज के, जो उनकी अजीज जान के साथ हुई, जब इससे सेपरेशन उनको हो गया, जब ये वाली मैरिज, पर्टिकुलर मैरिज एंड हो गई, तो इसके बाद वाली जो शायरी है वो आप देखेंगे, सो दैट इज बेसिकली अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम. ठीक है, ऐसे आजादी के बारे में ज्यादा लिखती थी. उसके बाद जब यूसुफ शाह चक के साथ इनकी मैरिज फाइनली होती है, ठीक है, और ये शाही महल में आती है, उसके बाद अगर आपको पता हो मुगल एम्परर अकबर जो है उन्होंने यूसुफ शाह चक को अरेस्ट करवाया. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो उन्हें अरेस्ट करवाया एंड ही इम्प्रिजेंट हिम. ठीक है, फिर वो कभी कश्मीर लौट कर नहीं आए. ही यूसुफ शाह चक जो थे वो उड़ीसा में, उनकी फिर डेथ हो जाती है और फाइनली बिहार के बिस्वाक में उनकी आप टोम भी देख सकते हैं, तो वो फिर वापस लौटकर कभी नहीं आते. तो ये जो पर्टिकुलर फेज था जिसमें यूसुफ शाह चक हबा खातून से अलग होते हैं, तो ये स्टेज सेकंड हो जाता है उनकी पोएट्री का. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड स्टेज. सो दिस वन इज स्टेज फर्स्ट विच इज राइट आफ्टर हर सेपरेशन फ्रॉम फर्स्ट मैरिज. ठीक है, एंड दिस इज स्टेज सेकंड जब यूसुफ शाह चक को अरेस्ट किया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है, तो उसके बाद जो इन्होंने पोएट्री लिखी दैट इज मोर अबाउट, यू नो, दैट इज मेलनकली, मतलब सैडनेस के बारे में. इट इज अबाउट सेपरेशन, यही थीम्स है सेपरेशन के बारे में, ऑफ वांटिंग टू यू नो रीयूनाइट विद हर हस्बैंड. तो ये जो थी, आपने आपने तो इनमें से बहुत सारे सॉन्ग सुने भी होंगे, जैसे मेहा कर चे की पोश दसवाने ये वाला सॉन्ग, या फिर से के म्यू स्वयं में आई ने, है ना, ब्रह्म देत न खो, तो ऐसे सॉन्ग्स लिखती थी. And yes, and then she finally died in 1609 AD. Okay, so finally 1609 AD में इनकी death होती है, and तब वो 54-55 years की रही होंगी if you calculate this. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इनकी songs जो हैं ज़्यादातर यही mournful and full of sorrow of separation, ये सब हुआ. Now one more thing is there that
जब ये यूसुफ शाह चक अरेस्ट हुए तो उसके बाद इन्होंने मान लीजिए एक तरीके से संन्यास ले लिया, ठीक है. शी बिकेम एन एसेटिक एंड शी देन वुड वॉन्डर अक्रॉस द वैली ऑफ कश्मीर. ऐसे गाना गाती रहती अपने मतलब ऐसे रीयूनियन विद हस्बैंड, इनी थीम्स के अराउंड अबाउट द रोमांटिक थीम्स, मोर्नफुल सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, यही गाती रहती एंड शी वुड वॉन्डर अक्रॉस द वैली, ठीक है. फाइनली शी डाइज इन 1609 AD एंड शी इज बरीड इन अथवाजन कश्मीर. सो दैट इज ऑल अबाउट हबा खातून. सो लेट अस मीट अगेन विद another writer and poet. I hope aapko ye wala particular topic pasand aaya hoga. But if there is any suggestion for me, if you want me to improve any other way, please do write in the comment section. Thank you so much.